बैक तो इस कैसे हैं आप सब लोग आई हो आप सब ठीक ठाक होंगे खैरियत से होंगे आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए होम मेड फेस मास्क जो कि आप अपने स्किन को ब्राइटन अप दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं काफी लड़कियों की स्किन डिहाइड्रेशन की वजह सेल हो जाती है सन टैन हो जाता है तो ये मास्क आपकी स्किन को ब्राइटन अप कर देगा डल स्किन से मुराद ये नहीं है कि आपका रंग सांबला है तो गोरा हो जाएगा सब कुछ भी नहीं है और ऐसी बहुत सारी लड़कियां जो कॉमेंट सेक्शन में ये पूछ रही है बोल रही है की आपको ऐसी क्रीम बताए व्हाइटनिंग क्रीम जिससे एक मैं गोरी हो जाऊं में दो बार महीने बाद शादी है ऐसा कुछ देखें कोई भी ऐसी क्रीम या कोई भी ऐसी रेमेडी नहीं है जिससे आपका रंग जो है वो गोरा हो कोरॉज अगर आपको कोई ऐसा कह रहा है तो वो बेवकूफ़ बना रहा है सब कुछ भी नहीं है और आपको ज़रूरत भी नहीं है कि आप इस चीज़ की तरफ सोचें बेहतर है कि जो आपका अपना कॉम्प्लेक्शन है आप उसको इन्हेंस करें अपनी स्किन को क्लीन रखें उसको जो है उसका ख्याल रखें उसको ग्लोई बनाएं बजाएँ इसके कि आप उसके रंग गोरा करने के चक्कर में अपना जो स्किन है उस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करके क्रीमें लगा के उसको बिल्कुल ख़राब कर दें तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि जो आप जो है इस चीज़ से हट जाएं जो आपका अपना कलर है जो कॉम्प्लेक्शन है उसी को इन्हेंस करें बजाय इसके क्या आप गोरे रंग की तरफ जो है भागें और उसके लिए रिक्वेस्ट करें क्योंकि मैं ऐसी कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है और अगर कोई ऐसा कह रहा है तो कंप्लीटली झूठ है बहरहाल आज की वीडियो में जो मैं आपको मास्क बताने वाली हूँ उससे आपका फेस ब्राइटन अप होगा काफ़ी जैसे लड़कियों की स्किन डल हो जाती है एक रौनक नहीं रहती ग्लोनेस खत्म हो जाती है तो इस मास्क को यूज़ करने से वो जो है आपकी आपकी स्किन ग्लोई और थोड़ी सी ब्राइटन अप भी हो जाएगी तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कौन कौन से इंग्रीडियंट इस मास्क को बनाने में यूज होंगे कैसे इसको यूज करना सब मैं आपको बताऊंगी लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिया मेरे चैनल को इसी के साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर ले एंड लेट्स बिगिन द वीडियो इस फेस मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कोको पाउडर कोको पाउडर नॉर्मली हम बेकिंग वगैरह में यूज़ करते हैं किसी भी ग्रॉसरी स्टोर से आराम से आपको मिल जाएगा किसी भी ब्रांड किसी भी कंपनी का आप ले लें वन टीस्पून आपने ऐड करना है कोको पाउडर उसी के साथ वन टीस्पून आपने ऐड करना है कॉफ़ी पाउडर कॉफी को मैंने ग्राइंड कर लिया था उसके बाद वन टेबल स्पून आपने ऐड करनी है दही यानी कि योगर्ट उसके बाद में इसमें ऐड करी हूँ हाफ टी स्पून एलोवेरा जेल अगर आपकी स्किन को फ्रेश एलोवेरा जेल सूट करता है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं मैंने यहाँ पे ये वाला ऐड किया है तो एलोवेरा भी आपने ऐड कर दिया ये चार इंग्रेडिएंट हैं जो हम इसको जिससे ये मास्क बनेगा अच्छे से आप इसको मिक्स कर लें ये मास्क बन चुका है मैं आपको बताती हूँ कि इसको फेस पे लगाना कैसे तो सबसे पहले तो आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए चाहे वो हाथों की है पैरों की है फेस की है मैं यहाँ पे बायोडर्मा का माइसेलर वाटर यूज़ कर रही हूँ इवन मेकअप स्टार्ट करने से पहले भी मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप जो है सजेस्ट करती हूँ अपने हाथों को अपने फेस को ज़रूर क्लेंस किया करें क्लीन किया करें ताकि उस पर अगर कोई बैक्टीरिया है कोई डर्ट है तो वो रिमूव हो जाए मैं अच्छे से इसको जो है क्लीन कर रही हूँ उसके बाद फिर मैं इस मास्क को अप्लाई करूँगी तो आज जो मैंने मांस बनाया उसमें मैंने कॉफी भी यूज़ किया कोको पाउडर भी यूज़ किया कॉफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त है एंटी एजिंग के लिए कोको पाउडर जो है हमारे स्किन को डिटो डिक्टौक, डिटोक्सीफाई करता है और जो हमारे स्किन की इलास्टिसिटी है उसको इंक्रीज़ करता है जिसकी वजह से फाइन लाइंस रिंकल्स ये सब कुछ जो है वो रिड्यूस होते हैं कॉफ़ी से जो है एक्नी भी ट्रीट होती है हमारे जो एक्नी स्कारनी स्पॉट्स हैं वो काफ़ी हद तक रिड्यूज़ होते हैं उनकी अपेयरेंस काफ़ी कम हो जाती है तो ये जब दोनों चीज़ों का चारों चीज़ों का मिक्सर बनता है तो हमारे स्किन पर अच्छी सी हमारी स्किन ब्राइटन अप भी हो जाती है और साथ में जो हमारे स्किन की प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि डार्क स्पॉट्स वगैरह वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं ये इतना ज़्यादा मास्क बन जाता है इतनी क्वांटिटी में कि आराम से आप इसको अपने फेस पे नेक पे हाथों पैरों पे लगा सकते हैं बीस मिनट के बाद आप इसको आपका जो फेस है वो किस कुछ इस तरह से लगेगा ड्राई ड्राई बहुत टाइट आपकी स्किन हो जाएगी मतलब आप बोलेंगे तो आपको फ़ील होगा तो आपने बिल्कुल भी बोलना नहीं और इस मास्क को लगा के लगा के आपने किचन में नहीं जाना है ठीक है ट्वेंटी मिनट्स के बाद आप इस तरह से अपने फेस पे स्प्रे करें पानी का या फिर हाथों को अच्छे से गीला करके और अपनी और अपनी स्किन को दो तीन मिनट आप थोड़ा सा क्लेंस करें उसके बाद फिर सादे पानी से वॉश कर लें क्लेंजिंग करेंगे तो अच्छा खासा आपका जो ये मास्क है वो थोड़ा सा वेट हो जाएगा तो जब आप फेस वॉश करेंगे तो उसको रिमूव होने में प्रॉब्लम नहीं होगी तो दो तीन मिनट आप अच्छे से इसको हल्के हाथ से जो है क्लेंजिंग कर लें उसके बाद फिर आप इसको रिमूव कर लें फ़ेस वॉश कर लें बिल्कुल सादे पानी से जब आप सादे पानी से अपने फेस को वॉश कर लें तो उसके बाद जो है फिर आप उस पर कोई मॉइस्चराइज़र या फिर एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं वॉश होने के बाद आपका फ़ेस कुछ इस तरह से लगेगा स्किन इंस्टेंटली थोड़ी आपको ब्राइटन अप लगेगी और जब आप कंसिस्टेंसी के साथ इसको यूज़ करेंगे तो इन आपको बहुत सारे रिजल्ट भी आगे मिलेंगे ठीक है उसी के साथ साथ मेरी स्किन जो है ऑयली है आपकी स्किन जैसी भी है मे बी इस मास्क को लगाने के बाद थोड़ी ड्राई हो जाए तो आप फेस पे मॉइस्चराइज़र लगा लीजिएगा और अगर एलोवेरा जेल आपकी स्किन को सूट करता है तो आप थोड़ा सा वो भी लगा सकते हैं मैंने हल्का सा एलोवेरा जेल लगाया था और उसके बाद भी फिर मैं फिर भी मेरी स्किन मुझे थोड़ी सी ड्राई लग रही थी तो मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया था जिस तरह से आपकी स्किन जो है वो काफ़ी जो है बेटर हो जाएगी बहुत स्मूद हो जाएगी ब्राइटन अप हो जाएगी और बेबी सॉफ्ट लगेगी आप ख़ुद ट्राई करिएगा तो बहुत सिंपल और आसान तरीका है इस मास्क को बनाने का दूसरी बात ये कि जो इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ करती हूँ वही आपने इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं उसके रिप्लेसमेंट में कोई आपने यूज़ नहीं करना है तो आपने जो मैंने आपको बताए हैं वही आपने यूज़ करना है तो इस तरह से आपने हफ्ते में दो बार इस मास्क को अप्लाई करना है ट्वेंटी मिनट्स के लिए ट्वेंटी मिनट्स के बाद आप हल्का सा फेस हाथ गिला करके या फेस पे स्प्रे करके पानी का आप अपने स्किन को थोड़ा सा क्लेंस करें उसके बाद आप अपना सारे पानी से फेस वॉश कर लें उसके बाद आप अगर आपकी स्किन को एलोवेरा जेल सूट करता है तो आप अप्लाई कर लें नहीं तो आप कोई मॉइस्चराइज़र लगा लें तो ये तरीका है इस मास्क को बनाने का और हफ्ते में दो बार आप लगा लें इवन आप अपने हाथों पर पैरों पर पूरी बॉडी पर भी कहीं पर भी लगा सकते हैं तो बहुत आसान है उसी के साथ मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ एक स्क्रब शेयर किया था किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से फुल बॉडी की केयर कर सकते हैं अपनी बॉडी को एक्सफोलिएट कर सकते हैं स्क्रब कर सकते हैं तो ताकि आपकी बॉडी भी साथ साथ जो है वो उसमें से डेड स्किन या डेड सेल्स रिमूव हो तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं वीडियो के लास्ट में दे दूँगी आप जरूर देखिएगा उसी के साथ कोई भी आपका सवाल है कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं तो जरूर फॉलो करिएगा मुझे इंस्टाग्राम पर फर्स्ट कॉमेंट में नीचे मैंने लिंक दे अपना तो बहुत सारा रखिएगा ख्याल टेक कराफिज